विशेष न्यायाधीश एवं प्राधिकृत अधिकारी क्रमांक 1 इंदौर मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 PCRA की विशेष कोर्ट ने उज्जैन के तत्कालीन पटवारी की भ्रष्टाचार से अर्जित लाखों की संपत्ति राजसात करने के आदेश दिए हैं। जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि आरोपी का नाम वीरेश उपाध्याय, पिता अर्जुन उपाध्याय, उम्र 47 वर्ष, निवासी तत्कालीन पटवारी द्वारा जिला उज्जैन, लोक सेवा कर रहने वाला है। वीरेश उपाध्याय ने पटवारी के पद पर पदस्थ होकर अपनी सेवा प्रारंभ की और अपने सेवा काल में प्रभावित व्यक्ति जिला उज्जैन में पदस्थ रहा। अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि 15 अक्टूबर 2011 को लोकायुक्त पुलिस उज्जैन द्वारा उक्त आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी द्वारा अर्जित 40,62,670 रुपए की अवैध संपत्ति को राजसात करने हेतु आवेदन दिया गया। कोर्ट ने वीरेश उपाध्याय आदि की कुल राशि 20,61,478 रुपए की चल अचल संपत्ति अधिहरण योग्य पाते हुए राजसात करने के आदेश दिए हैं। घटना में वर्ष 2011 की विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन के द्वारा 2011 में उज्जैन में पदस्थ तत्कालीन पटवारी वीरेश उपाध्याय यहाँ पे छापा डाला था और छापा डालने में उनकी आय के ज्ञात से ज़्यादा संपत्ति उनके पास पाई गई थी जो भ्रष्टाचार के द्वारा अर्जित की गई थी। उस संपत्ति के को रासा करने के लिए हमारे द्वारा विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन पेश किया था, जिसमें लगभग 40 लाख की संपत्ति थी जिसको रासा के लिए आवेदन दिया गया था। उसमें से उनकी लगभग 20 लाख रुपये की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय PCRA साहब के न्यायालय से रासत करने का आदेश दिया। कारावास की सजा नहीं, अभी वो ट्रायल चल रही है। जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का जो आपराधिक मामला है, वो आपराधिक मामला भी ट्रायल में चल रहा है। इसे संपत्ति रासत कार्य भी है।